2019 में 70 नंबर का आपका पेपर है। 70 में से अगर मैं सेक्शन ए के 3 क्वेश्चंस को निकाल दूं, मींस 4.5 नंबर निकाल दूं, तो 4.5 नंबर निकालने के बाद, चलिए 5 निकाल देते हैं, 5 निकालने के बाद 65 नंबर आप कम से कम लेकर के आ सकते हैं मेरे बताए हुए गेस पेपर से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल OCC बाय विपुल सर में। दोस्तों आज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा MSc फर्स्ट ईयर या MSc प्रीवियस ईयर फिजिक्स के 5th पेपर, 5वें पेपर, जिसका नाम यहाँ पे गलत लिखा है, ये नहीं है, ये तो 4th पेपर का नाम है, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ठीक है, यहाँ पे गलती से मिसप्रिंट हो गया है। तो थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का मैं आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड करूंगा। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग 2016 से लेकर के 2019 तक के क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे और उसके बेसिस पर मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन निकाल करके दूंगा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 20-25 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 80-90% की हमेशा गारंटी रहती है मेरी कि इतने क्वेश्चन तो पक्का वहीं से आएंगे ही आएंगे, लिख के कहीं रख लीजिए। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, वेरी शॉर्ट पर आते हैं। वेरी शॉर्ट में पहला क्वेश्चन, तो वेरी शॉर्ट में सबसे पहला क्वेश्चन दिया है डिफाइन फेज स्पेस। डिफाइन फेज स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट, तैयार करके जाइएगा, कई बार रिपीट किया हुआ है। गिब्स पैराडॉक्स तो मतलब लगभग हर साल ही पूछ लेता है। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन लिखा है ये तो सेम टू सेम रिपीट करता है, जैसे लिखा है सेम टू सेम ऐसे ही रिपीट करेगा। द एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस इज यूनिक फंक्शन ऑफ स्टेट ऑफ दैट सब्सटेंस, एक्सप्लेन इट, बहुत इंपॉर्टेंट, तैयार करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन द एंथैल्पी एंड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट, तैयार करके जाइएगा। एंथैल्पी क्या होती है और गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, तैयार करके जाइएगा। वैसे गिव्स फ्री एनर्जी पर और हेल्महोल्ट्ज पर मैं शायद वीडियो भी बनाया हुआ हूँ, आप सर्च करके एक बार देख लीजिएगा मेरे नाम से, तो हो सकता है आपको मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए, इसमें से काफ़ी वीडियो, ये जो आपका पेपर है ना थर्मोडायनेमिक वाला, ये केमिस्ट्री से टच पार्ट है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में सबसे नीचे आपको मिल जाएगा BSc थर्ड ईयर का, उसमें आप जाकर के डिटेल में देखिएगा, जिसमें ढेर सारी प्लेलिस्ट दी गई हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स नाम से मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट ही बनाया हुआ है, उसमें से बहुत वीडियो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो इसी के टॉपिक हैं, आपके MSc के इसी पेपर के टॉपिक हैं, तो आप जा करके वहाँ से आराम से उसको पढ़ करके, उसमें PDF भी आपको मिल जाएगा, बकायदे हैंड रिटन नोट्स भी हैं और हाथ से लिखा हुआ मैटर, तो आपको बहुत ज़्यादा काम दे देगा। तो वहाँ पे आप लोग जा करके ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में सबसे नीचे BSc थर्ड ईयर में आप जाएंगे तो आपको थर्मोडायनेमिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट अलग से मिलेगी, जिसमें कुछ वीडियो आपको मिलेंगे जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा, लगातार क्वेश्चन यहाँ से आता है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल पेरियोरी प्रोबेबिलिटी, इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। कंपेयर द बेसिक पॉस्टुलेट ऑफ BE and FD स्टेटिस्टिक्स, इसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, जा करके देखिएगा। बोस आइंस्टीन एंड फर्मी डिरैक स्टेटिस्टिक्स इसको बोलते हैं, BE और FD को, तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सब के सब अभी इम्पोर्टेंट ही चल रहे हैं, सबको तैयार करके आपको जाना है। व्हाट डू यू कॉल द इन सिंबल, इन सिंबल का भी वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, जाकर के तैयार कर लीजिएगा, इन सिंबल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ TISJA-2 फ्लूड मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, कई बार रिपीट किया हुआ है, आएगा ही आएगा, तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज डेल्टा पॉइंट फॉर लिक्विड हीलियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग में भी आएगा, शॉर्ट में भी आएगा और सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, तो तैयार करके आप लोग जाएंगे। सेक्शन बी पर आते हैं, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर टू फिर से वही बोल्ट्जमैन थ्योरम से पूछा हुआ है, तो बोल्ट्जमैन थ्योरम आप सही से तैयार करके जाएंगे, यहाँ से लॉन्ग में शॉर्ट में सब जगह से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, लिख करके रख लीजिए। तो बोल्ट्जमैन थ्योरम बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ इक्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा।
गिव अ ब्रीफ कमेंट ऑन थर्मोडायनेमिक व्यू ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड फेज ट्रांजिशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया हुआ, फर्स्ट एंड सेकेंड फेज ट्रांजिशन तैयार करके जाइएगा। एक और चीज़, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ तीनों तैयार करके जाइएगा, और मैंने तीनों पर वीडियो बनाया हुआ है, शायद देख लीजिएगा एक बार, मुझे ठीक से याद नहीं क्योंकि बहुत पहले का मैंने बनाया हुआ है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों लॉ को आप तैयार करके जाएंगे, तीनों लॉ से ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं शॉर्ट में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, इसको छोड़ दीजिए, इसको मत तैयार करिएगा, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम साइज ऑफ द फेज स्पेस, तो फेज स्पेस का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, फेज स्पेस इंपॉर्टेंट है, आएगा, तैयार कर लीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय एन आइसोलेटेड सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा, ये भी इसका भी वीडियो बना हुआ है कि थर्मोडायनेमिक के ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम तीनों इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड सिस्टम से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन सी पर आते हैं, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टिंग्विश बिटवीन लिक्विड हीलियम फर्स्ट एंड लिक्विड हीलियम सेकेंड, डिस्कस द, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, लैंडेव थ्योरी इसका नाम है, इसको आप तैयार करके जाएंगे। मैं थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ ताकि आपको आराम से दिख जाए, ये देखिए ये थ्योरी आप तैयार करके जाएंगे, 100% आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा लॉन्ग में ही इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, क्लासियस क्लैपीरॉन इक्वेशन, इसका भी मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन का शायद मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जाकर के देखिएगा, इसका भी आपको यही प्रूफ आपको मिल जाएगा, उसमें जाकर के देख लीजिएगा। तो क्लासियस क्लैपीरॉन इसका मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है और ऑलरेडी बता दिया कि इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट, इम्पॉर्टेंट है लेकिन कभी कभी आता है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा फिलहाल। बोस गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट किया कई बार, सेम टू सेम आएगा। बोस आइंस्टीन यानी कि BE मैंने पहले ही आपको बता दिया कि तैयार करके जाना है अच्छे से। नेक्स्ट है फेज ट्रांजिशन से क्वेश्चन आएगा 100%, ये देखिए फेज ट्रांजिशन का क्वेश्चन है, ये फेज ट्रांजिशन का क्वेश्चन है, तैयार करके अच्छे से जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का, ये चारों का चारों इंपॉर्टेंट है, और ये सेम क्वेश्चन नंबर 11 जो लिखा ना, सेम टू सेम क्वेश्चन भी कई बार रिपीट किया गया है, तो आप इसका चारों तैयार करके जाएंगे, ताकि इसमें से करना तो सिर्फ आपको दो है, लेकिन आपको चारों तैयार करके जाना है कि अगर चेंज भी करें तब भी आपको आराम से पता चल जाए। इसमें है क्या, तो ड्वार्फ स्टार्स क्या होते हैं एंड चंद्रशेखर मास लिमिट क्या होती है। नेक्स्ट है फ्लक्चुएशंस इन इंसेंबल, इंसेंबल वैसे मैंने पहले टिक कर दिया है, और ये फ्लक्चुएशन अलग से पूछा जाता है आपसे, फ्लक्चुएशन ऑफ इंसेंबल अलग से पूछा जाता है। नेक्स्ट है सुपर फ्लूड, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, एंड इसका भी अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाया गया है, विनर किंट चाइम थियरम, तो इसको आप तैयार करके जाएंगे, इम्पॉर्टेंट है। आगे आते हैं 2017 पर, अब आपके सामने है 2017 का पेपर, MSc फर्स्ट ईयर फिजिक्स का 5th पेपर थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पे देखिए लिखा है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। सेक्शन ए पर आते हैं, सेक्शन ए में अगर आपको याद होगा तो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों लॉ को आप तैयार करके जाइएगा थर्मोडायनेमिक्स के, यहाँ पे देख लीजिए पूछा हुआ है, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड फेज ऑर्डर फेज ट्रांजिशन मैं ऑलरेडी टिक कर दिया हूँ, एंड ये देखिए लैम्डा ट्रांजिशन मैं ऑलरेडी टिक कर दिया हूँ। नेक्स्ट है वेरियस थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल स्टेटिंग द कंडीशन अंडर विच ईच इज स्पेशली यूजफुल इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल को। डिस्टिंग्विश बिटवीन फर्मियंस एंड बोसांस, इसका भी वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, तैयार करके जाएगा, इंपॉर्टेंट है। फेज स्पेस मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है, विनर वाला मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है, ये देखिए इसका भी वीडियो बन गया, ये आपको केमिस्ट्री में मिल जाएगा। ब्राउनियन मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। कोऑपरेटिव फेनोमेनन इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। चंद्रशेखर मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है। सेक्शन बी पर आते हैं, सेक्शन बी में बोल्ट्जमैन एंट्रोपी मैंने पहले ही टिक कर दिया है। नेक्स्ट है हेल्महोल्ट्ज, अगर आपको याद होगा तो मैं अभी बोल रहा था कि गिब्स फ्री एनर्जी एंड हेल्महोल्ट्ज वाला मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो देखिए गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी दोनों तैयार करके जाइएगा, दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट है अनफिक्स्ड इक्वेशन, इसका भी वीडियो बन गया है, जाकर के देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें वही आता है सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, जाकर के देख लीजिएगा। नेक्स्ट है गिब्स पैराडॉक्स, मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहले और वाला देख लेते हैं, और वाला क्या है, तो और वाले में वही है, देखिए यहाँ पे लिखा ना बी ई एंड एफ डी, यानी कि वही बोस आइंस्टीन एंड फर्मी डिराक, जो कि मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 सेकर टेट्रोड इक्वेशन, इसको तैयार करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फेज ट्रांजिशन, मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है। पार्टीशन फंक्शन का भी वीडियो बन गया है, जाकर के देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। सेक्शन सी पर आते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये वाला भी देखिए अगर आपको याद होगा तो भी मैं टिक करके आ रहा हूँ, एच हीलियम फर्स्ट एंड हीलियम सेकेंड, अगर आपको याद होगा अभी सेक्शन सी में पूछा हुआ था 2016 में, लैंडेव वाला याद है, लैंडेव थियरम जो मैं आपको बता रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाएगा, इंपॉर्टेंट है। बोस आइंस्टीन मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है। देखिए फ्लक्चुएशंस इन कैनोनिकल इनसेम्बल, तो इनसेम्बल फ्लक्चुएशन इन इनसेम्बल अभी मैं टिक करके आ रहा हूँ, तो वही है कैनोनिकल इनसेम्बल, इसके तीन टाइप है इनसेम्बल के, तो तीनों आप तैयार करके जाइएगा, इनसेम्बल का भी वीडियो बना हुआ है। फोरियर एनालिसिस ऑफ रैंडम फंक्शन, देखिए जितने भी वीडियो को मैं बोल रहा हूँ कि इसका वीडियो बना हुआ है, अगर आपको ना मिले प्लेलिस्ट में भी तो आप इसी का नाम लिख करके लास्ट में बाय विपुल सर लगा करके आप सर्च करिए यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, और आराम से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है फोरियर एनालिसिस, इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट है बोस आइंस्टीन, मैंने टिक कर दिया है ऑलरेडी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मैंने बोला था ना कि सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट करता है, देखिए क्लासियस क्लैपेरॉन, मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है। ऑर्डर डिसऑर्डर इन एलॉय, बहुत इंपॉर्टेंट, तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट है किर्क वुड मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। टर्मी डिराक, आई थिंक यहाँ पे फर्मी डिराक होगा, टर्मी डिराक नहीं होगा, तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तैयार करके जाइएगा। ये मैं स्प्रिंट लग रहा है, टर्मी डिराक कुछ नहीं होता, फर्मी डिराक होता है। तो आगे आते हैं 2018 के पेपर पर, तो अब आपके सामने है 2018 का पेपर, फिजिक्स फिफ्थ पेपर 2018, थर्मोडायनमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। सेक्शन ए पर आते हैं। सेक्शन में पहला आपसे पूछा है एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी के बीच में डिफरेंस, इसका भी वीडियो बन गया है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे मैंने पहले भी टिक कर दिया। फेज ट्रांजिशन मैंने पहले टिक कर दिया है। सुपर फ्लूड अगर आपको याद होगा मैंने पहले टिक कर दिया है। सेकेंड साउंड, तैयार करके जाएगा, इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज सेकेंड साउंड। गिब्स पैराडॉक्स मैंने पहले टिक कर दिया है। इनसेम्बल मैंने पहले टिक कर दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका भी वीडियो बन गया है, तैयार करके जाइएगा। और इसमें आप देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में फोटो गैस को पूछा और फोटो गैस से दो तीन बार क्वेश्चन बना हुआ है, तैयार करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लक्चुएशन मैंने पहले टिक कर दिया है, वही इनसेम्बल वाला। नेक्स्ट है देखिए बोसॉन्स, फर्मियांस एंड बोसॉन मैंने दोनों टिक कर दिया है, तैयार करके जाइएगा। इलेक्ट्रिकल नॉइज क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपको याद होगा तो ऑर्डर फेज है ना, फर्स्ट और सेकेंड, अभी मैं टिक करके आ रहा हूँ, फेज ट्रांजिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए हीलियम वाला, देखिए फिर से पूछ लिया, हीलियम फर्स्ट एंड सेकेंड वाला अगर आपको याद होगा, लैम्डा वाला, तो ये देखिए यहाँ पे पूछा हुआ, इसका और करके, 2 का और करके, तो इंपॉर्टेंट है और मैंने टिक भी कर दिया है, तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है पहला पार्टीशन फंक्शन, जो कि मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है, तैयार करने के लिए, वही कैनोनिकल इनसेम्बल से पूछा हुआ है। नेक्स्ट है लंडन थियरी में, जो कि मैंने पहले टिक कर दिया है। ये देखिए लंडन थियरी है, एक है लैंडेव थियरी, तो तैयार करके जाइएगा दोनों को अच्छे से, ये लंडन थियरी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मैंने पहले टिक कर दिया है। नेक्स्ट है वही बोस आइंस्टाइन एंड फर्मी डिराक, जो कि मैंने पहले ही टिक कर दिया है। बोस आइंस्टाइन मैंने पहले ही टिक कर दिया है। प्रोबेबिलिटी मैंने पहले ही टिक कर दिया है, रैंडम वाला अगर आपको याद होगा तो। फ्लक्चुएशन मैंने पहले ही टिक कर दिया है। नेक्स्ट है विनर, मैंने पहले ही टिक कर दिया, तो अभी आप खुद समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये आपके लिए वीडियो होने वाला है। जितने टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ एकदम रामबाड़ टॉपिक्स हैं, इसको अगर बिना तैयार किए अगर आप एग्ज़ाम में चले गए तो बैठ के रोएंगे 100%, इसलिए सभी को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। सेक्शन सी पर आते हैं। सेक्शन सी में
थर्ड लॉ देखिए, मैं अभी आपको बोल रहा था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लॉ तैयार करके जाइएगा, पूछा हुआ है। सेकर मैंने पहले टिक कर दिया, सेकर टेट्रोड, फर्मी डिरैक मैंने पहले टिक कर दिया, रैंडम फंक्शंस मैंने पहले टिक कर दिया, फोर ईयर वाला अगर आपको याद होगा, कोऑपरेटिव फिनोमेना मैंने पहले ही टिक कर दिया है। तो 2018 का अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, एक दो क्वेश्चंस को छोड़ करके बाकी सारे के सारे क्वेश्चन 2018 के, एक दो क्वेश्चंस को छोड़ करके बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल मेरे टिक किए हुए अभी तक के गेस्ट पेपर के आए हैं। आगे बढ़ते हैं 2019 और सबसे लास्ट पेपर पर आते हैं। तो अब आपके सामने है फिजिक्स का फिफ्थ पेपर 2019 का, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, सेक्शन ए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर आते हैं। सबसे पहला अगर आपको याद होगा तो एंट्रोपी वाला मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया, थोड़ा सा रोटेट करके पूछा है क्वेश्चन, तो आप लोग आराम से कर ले जाएंगे अगर उसको तैयार किए हैं तो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कार्नो इंजन, इसका भी शायद मैंने वीडियो बना दिया है, देखिएगा बीएससी सेकेंड ईयर वाले में आपको मिलेगा, जैसे सेकेंड ईयर वाले में मैंने बनाया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट है प्लैंक, प्लैंक कांस्टेंट से भी क्वेश्चन आता है अभी तक, वैसे ये थोड़ा कम रिपीट करता है, देखिए 2019 में पूछ लिया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट है इंसेम्बल मैंने टिक कर दिया है, थर्ड लॉ मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट है केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ फोटोन, तो फोटोन मैंने पहले ही टिक कर दिया है। एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर तैयार करके जाइएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वही एब्सोल्यूट मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट जीरो ऑन दिस स्केल, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। नेक्स्ट है प्रूव दैट इन टू डायमेंशनल फेज स्पेस, मैंने पहले टिक कर दिया है, एक नया थियरम इसे पूछा हुआ, तैयार करके जाएगा, नाइक्विस्ट थियरम इम्पॉर्टेंट है, रैंडम वाला मैंने पहले ही टिक कर दिया है। तो अगर इसमें मैं देखूँ इसमें दो तीन नए क्वेश्चन डाल दिए तो कोई बात नहीं, आप आराम से करके जा सकते हैं, उतना अगर तैयार किए तो एक दो तीन तो आप आराम से कर ही लेंगे। प्लैंक वाला नया पूछा हुआ था एक, ये दो क्वेश्चन हो गए और एक लास्ट में एक लॉ नया पूछा हुआ था, ये नाइक्विस्ट थ्योरम नया पूछा हुआ था, तो तीन क्वेश्चन सेक्शन ए के तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो नए पूछे गए थे, तीन क्वेश्चन का मतलब है 4.5 नंबर का, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 1.5 नंबर का है, तो तीन क्वेश्चन 4.5 नंबर का, तो मैं मान लेता हूँ 4.5 नंबर मेरा बताया हुआ नहीं आया है। सेक्शन बी पर आते हैं, लेकिन तैयार करके जाइएगा। सेक्शन बी पर आते हैं, सेक्शन बी आपका 35 नंबर का है, देखिए सेक्शन बी पर आते हैं, एक क्वेश्चन आपका 7 नंबर का रहेगा। फर्स्ट वाला इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 एक न्यूमेरिकल है जो कि इसको छोड़ दीजिए, ठीक है इसको मत करिएगा, इसके और वाले पर आते हैं, तो और वाले में पूछा वही एंट्रोपी से क्वेश्चन जो कि मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है कि सही से पढ़ करके इस टॉपिक को जाइएगा, सब सिस्टम वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है क्लासियस क्लैपेरॉन जो कि मैंने पहले ही टिक कर दिया है, लैंडेव थियरी मैंने पहले ही टिक कर दिया है। नेक्स्ट फिर से एक न्यूमेरिकल पूछा है, वैसे मैं कोशिश करता हूँ न्यूमेरिकल कम से कम टिक करूँ क्योंकि बहुत लोगों को न्यूमेरिकल नहीं आता है, तो अगर आप देखेंगे ना तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूरा न्यूमेरिकल ही पूछ दिया है, तो अगर आप थियरीज जो मैंने बताए हैं वो अगर आप पढ़ करके जाते हैं तो आप तो आराम से कर लेंगे, जो लोग नहीं पढ़ के जाएंगे वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें पीक ऑफ स्पेक्ट्रम पूछा, पहला वाला तो मत करिएगा, ये दूसरा वाला अगर आप लोग थर्मोडायनेमिक्स मैंने जितना टॉपिक टिक किया अगर आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग आराम से कर ले जाएंगे, उसी में से क्वेश्चन पूछा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स वाले में से ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बोसॉन्स से क्वेश्चन पूछा हुआ, मैंने पहले ही टिक कर दिया है। नेक्स्ट है चंद्रशेखर लिमिट से क्वेश्चन, मैंने पहले ही टिक कर दिया। ब्राउनियन मोशन मैंने पहले ही टिक कर दिया है, और वन डायमेंशनल में फेज स्पेस मैंने पहले ही टिक कर दिया है। तो अगर मैं सेक्शन बी की बात करूँ तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको आ रहे थे, मतलब 35 का 35 नंबर आराम से आपको यहाँ से मिल जाता। सेक्शन सी पर आते हैं, सेक्शन सी की अगर मैं बात करूँ तो आप जानते हैं सिर्फ 2 आपको करना होता है और 4-5 क्वेश्चन इसमें आपको दिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो भी पूछा गया इसको छोड़ दीजिए, मत करिएगा। 7th वाला, 8th वाले में आते हैं थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल मैंने पहले टिक कर दिया है, और वन डायमेंशनल में इंसेम्बल मैंने पहले ही टिक कर दिया है। तो
एट का ए और बी दोनों पार्ट आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एट वाला आपको आ रहा होगा। एंड नाइन में सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने टेक किया, सेम टू सेम रिपीट किया हुआ है। तो क्वेश्चन नाइन तो आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर टेन में अगर आप क्या होगा, तो सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, सेम टू सेम फ्लक्चुएशन वाला मैं टिक करके आ रहा हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। और क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम टू सेम रिपीटेड है, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन जो मैं अभी टिक करके आ रहा हूँ। बस इसमें एक इसमें पॉइंट नया डाल दिया, क्वांटम लिक्विड है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। बाकी आप देखेंगे ये भी मैंने टिक किया था, ये भी मैंने टिक किया था, ये भी मैंने टिक किया था, तो सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट किया है ये भी। तो इसमें से करना तो आपको सिर्फ दो ही था, आपको कम से कम तीन आ रहा था, ये भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैं सेक्शन सी की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़ करके 8, 9, 10, 11 यानी कि चार क्वेश्चन आपको आ रहे थे, करने कितने थे, करने थे सिर्फ दो। तो मतलब यहाँ से 20 नंबर तो कहीं नहीं गया है, सिर्फ आपको दो करना है और आपको आ रहा है चार, तो 20 नंबर यहाँ से कहीं नहीं गया है। 35 नंबर सेक्शन बी से कहीं नहीं गया है, तो 20 और 35 हो जाएगा 55, 55 और 15 हो जाएगा यहाँ पे सेक्शन ए का, सेक्शन ए का 15 हो जाएगा 55 और 15, तो 60 दस 70 नंबर का आपका पेपर है टोटल। ये 70 मार्क का है क्या, 75 का नॉर्मली होता है, चलिए कोई बात नहीं, ये 70 का ही है पेपर, ठीक है। तो 70 नंबर का आपका टोटल पेपर है, एक बार मैं फिर से बोल दूँ, 2019 में 70 नंबर का आपका पेपर है। 70 में से अगर मैं सेक्शन ए के तीन क्वेश्चंस को निकाल दूँ, मींस 4.5 नंबर निकाल दूँ, तो 4.5 नंबर निकालने के बाद, चलिए 5 निकाल देते हैं, 5 निकालने के बाद 65 नंबर आप कम से कम लेकर के आ सकते हैं मेरे बताए हुए गेस पेपर से। वो भी लक बाय चांस अगर कोई नया क्वेश्चन सेक्शन ए में पूछ दिया गया तब, अदरवाइज़ अगर वो उसी में से पूछा गया तो कम से कम आप 70 में से 67-68 नंबर के क्वेश्चंस वही एग्जैक्ट फंसेंगे जो मैंने गेस करके आपको दिया है। अब डिपेंड करता है कि आप अपने एग्ज़ाम में लिख करके कैसा आते हैं, कितना आप याद करके जाते हैं, कितना आप तैयार करके जाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। हालांकि फुल मार्क जल्दी दिए नहीं जाते हैं बीएससी वगैरह में, एमएससी वगैरह में, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आपको मतलब ऐसा नहीं फील होगा कि अरे मेरा एग्ज़ाम बेकार गया है या मुझे आ नहीं रहा था, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस वही रिपीटेड हैं जो मैंने आपको गेस करके दिए हैं। तो आप कम से कम 70 में से कितना भी वो काट करके देंगे तो 60 नंबर, 55 से 60 नंबर तो कहीं नहीं गया है, आप आराम से लेकर के आएंगे अगर आप जितना मैंने बताया उतना, अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयार करके जाते हैं तब। बाकी अगर आप ऐसा ही तैयार करके जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपका मार्क गड़बड़ाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपको गेस पेपर अच्छा लगा होगा। किसी और सब्जेक्ट का, किसी और पेपर का अगर आप गेस पेपर चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और जब आप एग्ज़ाम दे करके आइएगा तो प्लीज़ वीडियो के नीचे आकर के मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितने नंबर के क्वेश्चंस एग्जैक्ट वही पूछे गए हैं जो मैंने आपको टिक करके गेस पेपर में बताए हैं। तो ये काम आप मेरे लिए ज़रूर करेंगे ताकि नेक्स्ट ईयर जो इस वीडियो को देखें स्टूडेंट्स, तो उनको थोड़ा सा हौसला आए कि हाँ ये सच में मतलब यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए थे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।